कर लेते हैं मकराना का, जहां पर अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। राजस्थान में कमल फूल की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान सीपी जोशी जी, हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, राज्यसभा के सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भाई श्री आर चौधरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री महोदय श्री गजेंद्र सिंह ऑडिट जी, जिला अध्यक्ष नागौर देहात महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश से इस संभाग में संगठनात्मक काम के लिए आए हैं श्री रूपाराम मुरावतिया जी, श्री अशोक सैनी जी, सुरेश भारद्वाज जी, हरिराम रणवा जी, श्री लक्ष्मण यादव जी, विजेंद्र भावता जी, श्री राकेश मेघवाल जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मकराना की हमारी युवा प्रत्याशी बहन सुनीता भीचर जी। सुनीता जी के लिए ताली बजाओ जोर से एक बार। और आज इस बड़ी भूमि में, वीर भूमि में, दुर्वासा की तपोस्थली में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं तेजाजी महाराज को प्रणाम करता हूं। भगवान देवनारायण और रामदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं इस धरती पर आया हूं तब भगवान चार भुजानाथ जी को भी मन से दूर से प्रणाम कर अपने बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों और बहनों, अभी राजस्थान में चुनाव की शुरुआत है। शुरू शुरू में ही मेरा दौरा अध्यक्ष जी ने यहां लगा दिया है। आज मैं 3 विधानसभाओं में जाने वाला हूं, मगर उसके पहले राजस्थान के 4 संभाग में मैं गया हूं, पूरा राजस्थान घुमा हूं। एक बात मैं बताकर जाता हूं मकराना वालों कि इस बार कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। ये अपने राजस्थान में इस बार 3 बार दिवाली मनानी है। अरे भाई ताली बजाते हो, पूछते नहीं हो। 3